आज मैं एक कॉमन सेंस का सवाल लेकर आई हूँ। एक हेलीकॉप्टर लाहौर से जब फैसलाबाद जाता है तो उसे 1.5 घंटा लगता है, फैसलाबाद से लाहौर आता है तो 90 मिनट लग जाते हैं, कैसे? जब फैसलाबाद से लाहौर आता है तो फिर फैसलाबाद और लाहौर का जो रास्ता वो कम होगा, इसलिए लाहौर से फैसलाबाद नहीं जाता है हेलीकॉप्टर। 1 घंटा 30 मिनट का होता है। 90 मिनट जो है ये फिर कितना? 3 घंटा होते हैं, क्योंकि रास्ते में रुकना हो, फैमिली ने कहीं खाना पीना हो, फिर टाइम लग जाता है। एक हेलीकॉप्टर है लाहौर से जब फैसलाबाद जाता है तो उसे 1.5 घंटा लगता है, वही हेलीकॉप्टर जब फैसलाबाद से लाहौर आता है तो 90 मिनट लग जाते हैं, कैसे? जब फैसलाबाद से लाहौर आता है तो फिर फैसलाबाद और लाहौर का जो रास्ता वो कम होगा, स्पीड उसकी मेरे ख्याल ज़्यादा होती है, और जब वहाँ से आता है तो कब? फैसलाबाद से लाहौर की स्पीड होती है या लाहौर से फैसलाबाद से लाहौर की स्पीड ज़्यादा होती है? फैसलाबाद में वो जो पेट्रोल है वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो जो उनकी जो ग्रेविटी होगी वो कम होगी ना, जब वो फैसलाबाद से लाहौर आता है रास्ता कम पड़ता होगा उन्हें। फैसलाबाद का इतना नहीं करते, बहुत कम करते। कहाँ का करते? क्योंकि वो बस पे होता है सफर फैसलाबाद, क्योंकि हेलीकॉप्टर में नहीं होता, लाहौर से फैसलाबाद नहीं जाता हेलीकॉप्टर। फैसलाबाद में हेलीकॉप्टर नहीं जाता? नहीं नहीं, लाहौर से फैसलाबाद नहीं जाता। लाहौर से फैसलाबाद नहीं जाता, फैसलाबाद से लाहौर नहीं नहीं आता। एक हेलीकॉप्टर है लाहौर से जब फैसलाबाद आता है तो 1.5 घंटा लगता है, जब लाहौर से फैसलाबाद जाता है वो इस जहाज तो 90 मिनट लगती है, वो कैसे? तो 1.5 घंटा होता है ना 90 मिनट। अच्छा गाना आता? गाना नहीं। शेर आता? शेर नहीं। क्या आता है? हमें पढ़ना आता है बस। क्या पढ़ते हैं? स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ाई का कुछ सुना दो, पढ़ाई में भी शेर है गजल है कुछ? तो नहीं आती वैसे ही, कुछ आती तो बहुत ज्यादा चीजें, आप क्या, आपको बताएं आप क्या सुनना चाहती हैं? भाई गजल सुना दो, शेर सुना दो, ये थोड़ी गाया कि कुछ खड़ी खड़ी सुना दो। चलें, मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, बड़ी किसी ने प्यारी पोस्ट लिखी थी कि जिंदा का दिल दुखा कर लोग मैयत से माफी मांगते हैं, तो इस शेर में आप गहराइयां देखें इस शेर की, अगर कोई समझने वाला हो तो। मैं कहता हूँ बहुत गहराइयों वाला शेर है ये, और माशाल्लाह अगर सुन समझे ना इस शेर को आप समझिए। शेर ही ऐसे करके सुना दिया किसके बात की समझ ही नहीं आई। चले मैं कोई शेर थोड़ी जो आपको सीधा एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन किस में अच्छे हो, मैथ में, इंग्लिश में? मैथ की बात तो आप बिल्कुल भी ना करें ना, क्योंकि मैथ एक एक बात मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कभी किताब खोलो ना तो नींद आ जाती है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे उसकी वजह से बाकी सब्जेक्ट भी खराब हो, इसलिए मैथ को छेड़ते ही नहीं है। एक रात पहले हम मैथ की बुक खोलते हैं, MCQs देखते हैं, एक थ्योरम याद करते हैं और हमारा मैथ का पेपर हो जाता है, हम ऐसे करते हैं। एक हेलीकॉप्टर है तो जब फैसलाबाद से लाहौर आता है ना उसे 90 मिनट लगते हैं, ठीक है, तो वही हेलीकॉप्टर जब लाहौर से फैसलाबाद जाता है सवारियां लेके तो उसे 1.5 घंटा लगता है, ये कैसे? ये तो कैसे, मतलब हाल वो 90 मिनट में ये 1.5 घंटे में, ये कुछ समझ नहीं। थोड़ा सा समझे ना मुझे, 1 घंटे में पहुँच, 1 घंटे में पहुँचना। हाँ जी हाँ, तो ये बताए ना वही, मतलब वो 90 मिनट में जाता है, 1.5 घंटे में जाता है, ये इसकी स्पीड से ज्यादा तो होगी लाहौर से आते हुए। हाँ जी, जाते हुए मतलब स्पीड कम, हाँ स्पीड कम होगी। तो क्या करना चाहिए, क्या टाइम एक ही होना चाहिए? तो भी दोनों टाइम एक ही पहुँचने चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आप बताइए, आप पूछ रहे हैं क्या होना चाहिए? आप समझ आ गई आपको कि मतलब जब लाहौर से होता कि सफर तो वही है, सफर वही है, ठीक है, हाँ सफर वही है। ये मुझे समझ नहीं आई कि क्यों जाते पहुँचे उसमें घंटे 1.5 घंटे और इसमें 90 मिनट, 90 मिनट और 1.5 घंटा क्या होता है? आधे घंटे का फर्क है और क्या। अच्छा, 1 घंटा कितने मिनट का होता है? 1 घंटा 30 मिनट का होता है, 30 मिनट का ही होता है ना। तुम बड़ी स्पीटा मारते हो। अच्छा स्पीटा तो बढ़िया मारियाँ, कभी पता नहीं लगा सही फास्ट जानते हैं। हाँ फास्ट 30 मिनट का 1 घंटा। हाँ जी, और कितना घंटा होता है? 1.5 घंटा होता है। 90 मिनट जो है ये फिर कितना? 3 घंटा होते हैं। आपका जो 1 घंटा ना, मैं ये सोच रही हूँ आपका 1 घंटा इतनी स्पीड से चलता है, वाह बड़ी बात है। मैं कितनी उम्र है? 40 साल हो गई है। मैं पिंडी भी 3 घंटे में जाता हूँ, मोटर हाँ भाई मोटर वे पे, फॉर्चुनर पे। हाँ जी, फैसलाबाद का भी लाहौर का सफर? फैसलाबाद तकरीबन मोटर वे पे जाऊँ तो तकरीबन 1.5 घंटे में। हाँ जी,
हाँ भाई फैसलाबाद से लाहौर जाहिर क्योंकि रास्ते में रुकना हो फैमिली ने कहीं खाना पीना हो फिर टाइम लग जाता है डेढ़ वो किसी ने बस स्टॉप पे रुक जाता होगा हाँ रुक जाता है एक हेलीकॉप्टर है जब फैसलाबाद से लाहौर आता है तो उसे डेढ़ घंटा लगता है और वही जहाज जब लाहौर से फैसलाबाद जाता है तो 90 मिनट लगते हैं ये कैसे 90 मिनट एक घंटा बराबर ही है डेढ़ घंटा और 90 मिनट बराबर है वाह क्या बात है एक घंटा 60 मिनट का होता है ठीक है और आधा घंटा हुआ 30 मिनट का और 60 और 30 कितने हुए 90 मैथ में बड़ी अच्छी जी बहुत कितने मार्क्स लिए मैथ में मेरे 75 में से थे 65